ओम शांति। आवाज आ रहा है जी? हाँ जी, तभी अपने मूल स्वरूप को याद करें। कैसा है मेरा मूल स्वरूप? क्योंकि जिस शरीर के साथ हम चलते हैं, वो सारी कर्मेंद्रिया वास्तव में हमें बाहर की ओर दौड़ाती है। सभी कर्मेंद्रिया बाह्यमुख ही है, जो हमें इस बाह्य जगत से वस्तु पदार्थ संबंध न जाने कई ऐसी बातें, इन सभी से जोड़ करके रखती है। और इसी वजह से मैं आत्मा स्वयं का स्वरूप, मेरा मूल स्वरूप भूलती रहती हूँ। इसी को जानते समझते सोचते अपने विचारों को दिशा देते हुए एक संकल्प पर लाते हुए मैं स्थित होती हूँ आत्म स्वरूप में। स्वयं को देखते हैं, कैसे देखे स्वयं को? हो सकता है किसी को कोई विचार चल रहा है, हो सकता है ये सुनते सुनते कोई और विचार हो रहा है, पर फिर भी हम अपने आप को देखते जाए और स्वयं की श्वास के साथ जुड़ते जाए बहुत गहरे में, शांति में। बड़े आए हुए विचार दिख रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। अपने सांसों को अनुभव करते हुए देखते हुए मैं आत्मा अपने आप से जुड़ती हूँ। मैं इस सभी बाह्य बातों से, बाह्य धर्मीय कर्मेंद्रियों से
अलग। मन, मन के भाव, विचार, उनसे भी अलग। ज्योति स्वरूप, प्रकाश ही मेरा रूप है। मैं ज्योतिर्विदु आत्मा, मैं ज्योतिर्विदु आत्मा, इसी स्वस्थिति में रहते हुए हम बाबा के महावाक्यों को पढ़ेंगे। ओम शांति। आज पार्ट टू है ज्ञान का सार। मैं और मेरा बाबा, ये मुरली का टाइटल है जो वाणी बाबा ने 29 मार्च 81 को चलाए थे। थोड़ा सा भरे, मैंने कल पढ़ी नहीं है मुरली, लेकिन इसका जो सार है कल का, ये हम लोग देखते हैं, और हो सके तो फिर समय अनुसार हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसका सार, बाबा ने शुरुआत में ये कहा है कि जितना हम इस बाह्य जगत में अपने कर्म इंद्रियों द्वारा विस्तार में जाते हैं, क्या उतना सहज ही हम अपने स्वरूप में टिक सकते हैं? ये बाबा ने हमें पूछा था, और इसलिए बाबा का मुरली का टाइटल ही है मैं और मेरा बाबा, ज्ञान का सार। पर सभी बाबा ने कहा ज्ञान का तंत्र फिर रह जाता है। और कल की भी बाबा की साकार वाणी में बाबा ने क्या पूछा, अभी भी भगत हो क्या? अपने आप को भगत समझते हो या बाप के बच्चे? ये बाबा ने प्रश्न क्यों पूछा होगा, क्योंकि जब तक हम उसी स्वरूप में आ नहीं जाते, तब तक बाबा कहते हैं वास्तव में तुम भगत ही हो, तुम भक्ति करते हो। बाबा ने यही ये भी कहा कि देह अभिमान में आना, इसका अर्थ है भक्ति। और इसके और गहराई में जाकर हम देखें तो जहां देह भान है वहां पे कई चीजों का मांगना, क्या क्यों क्वेश्चंस का आना, असंतोष का आना, ये सभी शुरू हो जाता है, अशांति। और उसमें भी बहुत सूक्ष्म, अगर हम आप अपने आप को देख पाए तो बाबा से तकरार मांगना, ये सब भी स्टार्ट हो जाता है। जबकि बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपने समान, है ना, बाप समान बनाने आया हूँ, क्योंकि आत्मा का भी स्वरूप वही है जो परमात्मा का है, उसके गुणों और कर्तव्यों में अंतर है, लेकिन स्वरूप तो वही है। तो जो स्वरूप हम भूले हुए हैं, जो स्वधर्म हम भूले हुए हैं,
को बाबा याद दिलाते हैं, और उसको समझना, विस्तार को देखते हुए, सुनते हुए, वर्णन करते हुए, देह में रहते हुए भी अपने उसी स्वरूप में रहना, इसका अभ्यास सदा करना, इसको ही बाबा सहज याद कहते हैं। और जब ये आता है तो हम वो बाबा से मांगते भी नहीं हैं। सूक्ष्म में भी, स्थूल तो और चीज़ है, लेकिन सूक्ष्म में भी कई चीज़ें ऐसी हमारे से हो जाती है। और अगर हम इस तरीके से इन हमारे आते हुए विचारों को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर भक्ति के ये संस्कार कितने कड़े हैं। जबकि बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें आप समान बनाने आया हूँ, और ज्ञान का यही यही सार है कि स्व को जानना, स्व को स्थित में करना और परमात्मा से जुड़ना, मैं और मेरा बाबा। तो हम आगे का पॉइंट्स पढ़ते हैं आज। तो आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी, नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते, नाचते भी बहुत है लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं। अभी यह भी परिवर्तन करो, मास्टर नॉलेजफुल हो फिर यह डांस क्यों करते हो? सच्चाई और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। यह विशेषता नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। ये बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भले करो, तो बाबा कहते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं विचारों में, संकल्पों में, स्थिति में, ये नाचना बंद करो, खुशी की डांस जो है वो भले करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि यह कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाबा अपनी भावना को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप सबकार वाणी में भी कभी देखो, कोई कोई वाक्य आ जाते हैं, हम उसमें से कौन सी भावना, कौन सा भाव पकड़ते हैं, तो ये कईयों ने ऑब्जर्व किया होगा। एक कहते हैं बाबा एक दूसरे को डायोर्स डाइवोर्स दे देते दे। फिर आगे बाबा कहते हैं कि कथंती सुनंती और भावंती हो जाते हैं। और उसके पहले जो वाक्य है उसमें वो अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तो व्यक्तियों में भी जब भी डाइवोर्स होता है तो इट्स वेरी पेनफुल। तो बाबा हमें किस किस दृष्टि से, किस नजर से, किस भावना से हमें देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, ये भी इन वाक्यों से हमें समझ में आना चाहिए।
या ये वाक्य हमें और भी उसके साथ उन संबंधों को क्या कह सकते हैं, और मजबूत करने में मदद करेंगे। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो, फिर बाप के पास पहुंचे हैं, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे? साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहा जाते थे, तो बच्चों को कहते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे, तो यह शब्द याद रखना। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो बैठो। आगे बाबा कारण बताते हैं। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बनी है, तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग समान हो जाता, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस की। और बाबा की याद बहुत सूक्ष्म है, तो हम देहभान में या बाबा के बाबा से जुड़ नहीं पाते या जुड़ नहीं सकते। तो देहभान को उतार कर अपने आप को भी अन्य भावी बातों से अलग करते हुए, अपने स्वरूप में स्थित होते हुए हम बाबा की याद में टिक सकते हैं, और यही बाबा हमें कह रहे हैं। तो अपने को जानना, तो इसलिए वो स्वयं को जानेंगे तो बाबा से जुड़ सकते हैं, बाबा को भी अच्छे से जान सकते हैं, और बाबा से वो शक्तियाँ खींच सकते हैं। ना बाबा वही कहते हैं कि वो नहीं तो भक्ति मार्ग समान हो जाता है, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म रूप में मांग रहेगी। एक है संपन्न बनना स्वयं को, जो बाबा कहते हैं, मैं तुमको वही संपन्न संपन्न बनाने आया हूँ। तो उसके लिए ये जो बाबा ने दिशा दिखाई है, जो मार्ग दिखाया है, वो हमें अपनाना पड़ेगा, और इसको गहराई से समझकर कि क्या करना है, एक इस पॉइंट को लिख करके फिर आगे उस पर चिंतन करके मुरली वही की वही नहीं छोड़ना है। तो कई मुरलियों को फिर हम लिंक कर सकते हैं, जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की बात बाबा कह रहे हैं। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसीलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। मनमोहिनी दीदी जी सामने होंगे बाबा के, तो बाबा दीदी से बात कर रहे हैं। वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरे दूसरे को अपना बनाना, यह भी इन्हों को हिम्मत है। इतना ट्रांसफर हो गए हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं, यह भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। हो सकता है या मोस्टली वो होगा कि बाबा के सामने
दीदी के साथ कोई पार्टी भी रहेगी, तो जो पार्टी वहां पे आई है, जिन्होंने जो ट्रांसफर हुए हैं, उनके बारे में बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपनेपन की भासना से ही यह आगे बढ़ते हैं, एक एक को देख करके खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लड़कियों का एक वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों कोनों से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गए हैं। यह भी तो वंडर है, यही कमाल है। जो सब एक थे और है और होंगे, ऐसा ही अनुभव करते हैं। विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त तो हो ही जाता है। पांडवों से बाबा बात कर रहे हैं, सभी महादानी हो ना, किसी को खुशी देना यह सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कार्य है, सेवा है। पांडव तो सदा एक रस एकता में रहने वाले, इकानामी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा है, पूजनीय भी है, भक्तों के लिए तो अभी भी पूजनीय हो, लेकिन सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं। तो पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में ही होती है। बाबा कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, और देवताएं भी हैं। तो बाबा इसका और विस्तार बता रहे हैं कि गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हैं। गणेश का पेट बड़ा दिखाते हैं इसलिए, और हनुमान पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूंछ भी सेवा के लिए है, पूंछ पूंछ का पूंछ नहीं है, मतलब पूंछ भी सेवा के लिए है और पूंछ पूंछ का पूंछ नहीं है। इसका मतलब बाबा ये कह रहे हैं, एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने बात की थी, पूंछ वाले तारे मत बनो। पूंछ वाला तारा माना धूमकेतु। तो जो बहुत प्रश्न करते हैं, तो पूछ पूछ, और प्रश्न का अर्थ भाव इससे है कि कई बातें, कई परिस्थितियां, कई चीजें जो सामने आते हैं, उसको ज्ञान को अप्लाई न कर उसके क्या क्यों कैसे में जाना, इसको बाबा पूंछ कहते हैं। तो ये जो पूंछ लंबी कर देते हैं, इसके लिए बाबा कहते हैं पूंछ पूंछ का पूंछ नहीं। तो पूंछ वाला तारा भी बाबा उस बाबा ने एक वाणी में उसको कहा है, इसलिए बाबा कहते हैं पूंछ पूंछ का पूंछ नहीं है। पांडवों की यह विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं। ये इसमें देखो कई बातें बाबा ने कह दी। तो पचाना मतलब कौन सी शक्तियों की बात बाबा करते हैं इसमें, तो एक है सहन शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति, एक दूसरे के साथ पूरक शक्तियां है, ये एक्सेप्टेंस, सहन और स्वीकार करना, तभी तभी ये होता है कि बात इधर उधर नहीं होती, नहीं तो वो बात कभी पेट में रहती नहीं है, वो इधर उधर हो जाती है। इस पर चिंतन करना, सभी सदा संतुष्ट होना, पांडव पति और पांडव, यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, जैसे शिव शक्ति है वैसे पांडव पति है। जैसे पांडवों ने पांडव पति को आगे किया,
पति ने पांडवों को आगे किया, तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो? कोई फ्रेंड चाहिए ऐसे तो नहीं महसूस करते? किसको कहे, कैसे कहे, ऐसे तो नहीं? तो ये बाबा पूछ रहे हैं कि कभी शेयरिंग की बात आती है, कभी व्यक्त होना जरूरी लगता है। तो बाबा का भाव ये नहीं है कि कभी व्यक्त नहीं हो, लेकिन एक है काम के लिए चीजों को करना, और एक है कि उस वो जो साथी की जो कमी, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो बाबा बात कर रहे हैं, तो वो साथी की जो कमी है वो बाबा के साथ ही पूरी करो। ये बाबा का कहने का भाव है। जो सदा कंपाउंड रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। यह नहीं निराकार है, आकार है, बात कैसे करें। जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता ढूंढेंगे, है ना? अगर हमको किसी से बात करना है तो उसकी भी अवेलेबिलिटी चाहिए ना हमारे लिए, उसके समय की, उस व्यक्ति की। तो इसलिए बाबा कह रहे कि टाइम लगता है, ढूंढेंगे। यहाँ तो ढूंढने में टाइम की भी जरूरत नहीं, जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर। इसलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। तो ऐसा अनुभव होता है, बाबा पूछते हैं, ऐसा अनुभव होता है? अगर हमें नहीं होता है, इसका अर्थ है कि हम उस स्थिति में जा नहीं पाते। स्थिति को बनाने में टाइम लगता है, स्थिर होने में टाइम लगता है। फिर हो सकता है कि हमें कुछ मिले, जो भी उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, अगर बाबा तक, बाबा को हमारे तक कुछ चीजें पहुंचानी है तो। लेकिन उसको जानना परखना यह हमारे हाथ में है। तो इसलिए बाबा उसके लिए कहते हैं कि हमारे बुद्धि की लाइन क्लियर हो उसके लिए। आगे बाबा कहते हैं, अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया, कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। कभी हद का वैराग तो नहीं आता है? बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक है, हम सबका सब काम एक है। प्रैक्टिकल दिखाई दे, अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है, रिकॉर्ड तैयार करना है। वो कौन सा है? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है। बाबा कह रहे हैं वो रिकॉर्ड मुख का नहीं है, एक तो को रिकॉर्ड का रिकॉर्ड, यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। तो एक तीसरे के लिए रिगार्ड, रिस्पेक्ट, आदर हो, ये बाबा कह रहे हैं। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना है। छोटे को भी रिगार्ड देना, बड़े को भी देना। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। ये रिस्पेक्ट, ये आदर का, ये जो के बाबा कहते हैं देना ही लेना है, तो इसमें बहुत सूक्ष्म अर्थ भी ये छुपा हुआ है कि वो आदर क्या हम पहले स्वयं के लिए रखते हैं, या अपने आप से पूछना होगा।
कि सेल्फ रिस्पेक्ट, स्व का, और जहाँ हम स्वयं में स्वयं के साथ भरपूर है, तो वो अपने आप हमसे दूसरे की ओर बहता है, फ्लो होता है। उसको लाना नहीं पड़ता है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो देना लेना हो जाता है। तो अपने आप को ये पुरुषार्थ क्या एक पॉइंट लेकर अपने आप के साथ ही चिंतन करना कि स्वयं का रिस्पेक्ट मतलब क्या, और कैसे हम इसको बढ़ाएं हर चीज़ में। और जब हम उसमें अपने आप से भरपूर हो जाते हैं, तो फिर दूसरा दे या ना दे, उससे वास्तव में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ता है जब स्वयं में उसकी कमी हो। ये बहुत सूक्ष्म बात छिपी हुई है इस वाक्य में, और यही ज्ञान, यही चीज हमको बताता है, सिखाता है, और यूनिवर्स के सभी रूल्स इसी पर चलते हैं। तो जो अपने पास है वही आपको मिलेगा, यही, और वही हमको मिलता है, वही हम रिसीव करते हैं। तो ये स्वयं के लिए स्वयं का आदर, ये हमारे अंदर कहाँ तक है, एक पुरुषार्थ के लिए एक पॉइंट जरूर लेना। ये मैं किसी अनुभव के ऊपर आपके साथ बात कर रही हूँ। स्व उन्नति और विश्व उन्नति दोनों का प्लान साथ साथ हो। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, देखो आगे बाबा ने कहा ही, उसे समाप्त कर, धारण कर, चारों तरफ खुशबू फैला जो सभी अनुभव करें। समझा? तो जब भी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट की जो हमने बात की, कि हमें इस तरह का व्यवहार मिलता है, कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है या किसी आत्मा का ऐसा व्यवहार हो जाता है, तो पहले हम उसमें, हो सकता है तुरंत अचल स्थिति ना बने, लेकिन हम अपने आप को देखें कि क्या है, जो ऐसी क्या बात है जो मेरे अंदर इस तरह का भाव को, चंचलता को, अस्थिरता को बना रही है। जब जब हम इसको आंखें खोलकर देखेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तब हम जो बाबा कह रहे हैं कि उस बात को हटाकर फिर वो उस गुण को धारण कर सकते हैं। तो जहाँ एक एग्जाम्पल हम बात करें तो रिस्पेक्ट की, तो जहाँ हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ऐसा व्यवहार मिलता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो अंदर हमें हमारी स्थिति को खराब कर रही है, उसके तले में जाओ, ढूंढो। तो ऐसे ये प्रसंग हमें कुछ बताते हैं हमारे बारे में, जब हम अंतर्मुख होकर स्वयं को के लिए स्वयं की मुड़ते हैं, स्वयं को देखना, ना कि बाहर कि उसने ऐसा किया। तो ये प्रसंग, ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ, ये कॉन्सिक्वेंसेस, वो व्यक्ति या आत्मा जो भी कहे, हमारे लिए फिर तोहफा बनते हैं। तब तक नहीं बन सकेंगे, और तब तक वो जो धारणा है वो हम अपने अंदर नहीं कर सकते। तो पुरुषार्थ इसी इसी के आधार पर है, और फिर हमें वो मज़ा भी आता है चेंज करने में। केवल बाहर देखने के बजाय अंदर देखने की जरूरत है। तो बोलने का सार है, पॉइंट वन, सार स्वरूप में स्थित हो,
विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। तो बाबा ने इसको ही सहजियात कहा है इस मुरली में। स्वयं के स्वरूप में टिक कर हर कार्य को करना, हर बातों में परिस्थिति में आना, और वास्तव में वो चीज़ होती है कि जब हम स्वयं के उस स्थिति में आते हैं तो ये जो बाह्य जगत की कई अन्य बातें हैं वो हमें आकर्षित नहीं करती हैं। तू, मैं और मेरा, इन दो शब्दों की स्मृति से मायाजित, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हो। और तीसरी पॉइंट है, माया कनेक्शन लूज करती है, कंफ्यूज करती है, क्यों क्या को खत्म कर कनेक्शन ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी हम सभी शेयरिंग कर सकते हैं। तो बाबा ने आज क्या बताया मुरली में? ओम शांति। आज बाबा ने जो अमृत वेले में कहा, विधि बताई हमें कि बिंदु स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप लेकर बैठो, तो अश्विनी सिस्टर, आप फरिश्ता स्वरूप देखने की युक्तियां शेयर कर सकते हैं प्लीज? फरिश्ता स्वरूप कैसे देखें? जी, इसमें बाबा ने एक अभ्यास बताया है जो शायद सभी जानते होंगे, लाइट का अभ्यास। थोड़ा सा इसके पीछे का विज्ञान हमको समझना पड़ेगा। शायद ये अपॉर्चुनिटी में कहूँगी कि रामानुसार मैं इस चीज़ को बताऊँ। तो बाबा ने फरिश्ता स्वरूप उसको कहा है। मैं ज्ञान के हिसाब से बताती हूँ कि जो आत्मा इन बाह्य जगत से, शरीर से, अन्य सभी पदार्थ वस्तुओं से न्यारी है, जिसको बाबा ने फरिश्ता कहा है, और वो अपने इस पुरुषार्थ का अंतिम स्टेज का वो लक्ष्य है। अब इसका अभ्यास कैसे करना है? तो इसके लिए बाबा ने विधि बताई थी, लाइट स्वरूप को देखना, एंजल स्वरूप को देखना। कैसे देखना? व्हाइट लाइट में, सफेद प्रकाश के रूप में अपने आप को देखना। इसको बाबा ने, इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा था। और जब इस प्रकाश रूप को हम देखेंगे या ध्यान
का अनुभव करते जाएंगे तो हम अपने स्वरूप में हमें टिकना आसान होता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने बिंदु रूप से पहले फरिश्ता रूप की बात कही है जो मेरे अभ्यास में आया है, क्योंकि एकदम से बिंदु रूप में टिकना, जो आत्मा का स्वयं स्वरूप है उसमें टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उससे पहले जब हम अपने ही इस स्थूल शरीर का एक प्रकाशमय काया जिसको कहा गया है, उसमें रहने का अभ्यास करेंगे, जिसको ही बाबा ने फरिश्ता स्थिति नाम दिया है, तो हमें इस फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता जाएगा। उसका विज्ञान ये है कि हम, जैसे बहुत सिंपल शब्दों में अभी मैं कहूँ तो इसके ज़्यादा गहराई में अभी नहीं जाते, लेकिन जिस मैं ओपन अप करना चाहूँगी इस पॉइंट को, कि एक है आत्मा, दूसरा है मन और तीसरा है शरीर। तो ये तीन स्तर है, ये तीन लेवल है, राइट? थ्री लेवल्स आर देयर। तो आत्म स्वरूप जो है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और मन मतलब इस शरीर और आत्मा के बीच का एक दुआ है। तो इसलिए मन ही सूक्ष्म स्वरूप है वास्तव में देखा जाए तो। इसको थोड़ा सा समझना, इसको समझने की कोशिश करो कि हम हर चीज मन के स्तर पर करते हैं, और इस मन का ही शुद्धिकरण वास्तव में पहले हम करते हैं। तो इसको एनर्जेटिक बॉडी भी हम कह सकते हैं, माना ऊर्जा का रूप। तो ऊर्जा का जो रूप है वो प्राण शक्तियों से और प्राण से बना हुआ है, और उस प्राण को ही वाइट लाइट कहते हैं। तो ये यही आधार है इस स्थूल शरीर को संपूर्ण चैतन्य में बनाने का, देने का, ऊर्जा का, ऊर्जा ऊर्जा देने का। और इसीलिए बाबा ने भी, जो मैंने समझा है, कि वाइट लाइट का अभ्यास करने के लिए कहा है। तो जब हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो वास्तव में हम अपनी एनर्जी बॉडी को, एनर्जी लेवल की जो बॉडी है, माना सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म काया, उसका अभ्यास करते जाएंगे। और जो जैसे जैसे वो शुद्ध होगा तो वास्तव में वो स्थूल शरीर को भी मदद करेगा, और ये इसके पीछे का विज्ञान है। तो सार में ये बात वापस लेके आती हूँ कि सूक्ष्म वाइट लाइट जो है, इसका जैसे हम अभ्यास करेंगे तो ये हमें फरिश्ता रूप के लिए मदद करेगा। और इसके साथ हम थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग अगर करेंगे, माना बहुत ही गहराई से, शांति से सांस को लेना, तो यह हमें और मदद करता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर प्राणों पर चलता है, सांस पर चलता है, और इसका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है जी, तो विनी सिस्टर, आपने जो कहा या तो उसके ऊपर से यही लगा कि अपने स्थूल शरीर के बाहर उसका एक सूक्ष्म लाइट का एक आवरण है, ये बाहर देखना नहीं है, बाहर या अंदर मीन्स। अभी के लिए वो छोड़ दो, ओके तो दीज आर द लेयर्स, राइट? आज जो भी जहां भी है तो उसमें स्थित रहने का अभ्यास करना है, राइट? जी, ओके, थैंक यू। स्थूल शरीर हमें दिखता है क्योंकि वो स्थूल है, वो पांच तत्वों से बना हुआ है, व्हिच इज आउटर लेयर। तो ये सबसे आउटर लेयर रहेगा, सबसे बाहरी लेयर रहेगा, फिर उसके बाद सूक्ष्म होता जाएगा ना, सोचना जी इस बात पे। जी तो क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे देखने का अगर कन्वीनियंट नहीं है तो यू कैन स्टार्ट इन राइट फ्रॉम लाइक आउटसाइड एंड देन मूव इनवर्ड्स, बट इफ यस,
जस्ट ट्राई टू बी इनवर्ड, देन इट इज फाइन टू बिगिन विद. ओके. अगर आप देखेंगे ये लास्ट लास्ट की सेवाएं जो है मीडिया की, तो इसमें आप देखो कितनी ऐसे वीडियोस हैं जिसमें व्हाइट लाइट गिरते हुए दिखाया है, राइट? सभी लोग उस वीडियो ऐसे वीडियोस को देखते होंगे जो आप अभ्यास के शेयर लिए करें, बनाए हैं, अच्छा आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करना, है ना? तीव्र. मैं जरूर शेयर करूंगी, लेकिन ये वो अवेलेबल है, तो यही बेसिकली बाबा ने सेवा करवाई मीडिया के लोगों से और उन आत्माओं से। तो यूट्यूब पे भी ऐसे कई वीडियोस हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चित्र दिखाया है, ऊपर से बाबा का लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट गिर रहा है, राइट? तो वो कुछ दर्शा रहा है, तो उसको आंखें खोल कर उस चीज को देखना, समझने की कोशिश करना। अभी भी YouTube पर सर्च करके आप देख सकते हैं, कोई भी सोल कॉन्शियस से स्टेज का है, उसका स्वरूप मतलब का ये है अभ्यास कि क्या है। व्हाइट लाइट, जो बाबा की लाइट आ रही है, उसे हमें यस भरना है, अपने में भरना है अब सब. आपको आपको कहाँ से भी आ रही है, आप डजेंट मैटर, हमें बाबा से जुड़ना है, तो अभी बाबा को फरिश्ता स्वरूप में याद करो। तो कौन है? ब्रह्मा बाबा, राइट? फरिश्ता स्वरूप किसका है? ब्रह्मा बाबा का है, निराकार बाबा का नहीं है, वही दिखाता है। इसलिए तो शिव कहते हैं कि मेरा न सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि ना ही मेरा मन है, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। इसलिए ब्रह्मा का आधार उन्होंने लिया है। बातें सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? ओके, थैंक यू ओके जी जी सिस्टर, दीप्ति सिस्टर, गाया जी. ओम शांति दीदी. ओम शांति। दीदी, इसी सूक्ष्म शरीर पे ही मेरा एक प्रश्न है. जब मैं बाबा को भोग लगाती हूँ और भोग लेके सूक्ष्म बतन में जाती हूँ, तो मैं अपना सूक्ष्म शरीर आउटसाइड द बॉडी ही इमेजिन करती हूँ, तो क्या वो ठीक है? देखो ये या बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरीका है, वो एक विधि है, इट्स अ प्रोसेस। देखो विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का अर्थ क्या है? इमेज इन, मतलब जो इमेज के थ्रू ही, अभी इसके पीछे वापस मुझे साइंस आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि किसी एक डॉक्टर ने कहा है, मैं आपको इसका रेफरेंस कभी बाद में दूंगी, इसके पीछे का साइंस, कि विजुअलाइजेशन मीन्स इमेज इन, जो इमेज हमें उस स्थिति में, उस स्वरूप में जाने के लिए मदद करती है। तो अंतवाहक शरीर का अर्थ क्या है? अभी मैं बात सुन रही थी मुरली शुरू होने से पहले, तो दैट इज दी आर आउट, सबसे सूक्ष्म स्वरूप जो आत्मा सूक्ष्म काया धारण करती है, राइट? दैट इज प्रकाश स्वरूप, उसी वही फरिश्ता स्वरूप है, उसी को उस वही इस स्थूल शरीर को छोड़कर बाहर घूम सकती है ना। तो अगर आप उसको विजुअलाइजेशन करती है और आप भोग लगा के मैं यहाँ से उठकर वहां जा रही हूँ, तो इट इज वेरी करेक्ट, वो विधि है। और वही हमें इस स्थूल शरीर से अलग करने के लिए, ये इस तरह की जो अभ्यास है वो हमें स्थूल शरीर को से डिटैच होने के लिए, अलग होने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि वास्तव में वही बात जो गीता की है, जो बाबा ने कहा है कि स्थूल शरीर हमारा वस्त्र है और हमने उसको सिर्फ धारण किया है, ठीक है? आपका समाधान हुआ इस बात पे? जी, दीदी बिल्कुल समाधान हुआ. तो लाइट की जो बॉडी हमारे अंदर, हमारी आत्मा से जो लाइट की बॉडी, जो हमारी बॉडी पूरी अंदर चल रही है, उसका फिर क्या प्रयोग होगा? उसका क्या प्रयोग होगा? हम इसको बाद में कभी ले क्योंकि ये जी बहुत ये किसी 2-3 मिनट में बात करने की बातें नहीं है। हो सकता है तो हम इस सैटरडे को इस चीजों को थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे, इसको इसके पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे, तो समझेंगे कि बाबा कैसे बात कैस किस तरह की गहरी बातों को सामने लाते हैं बहुत ही सरल शब्दों में आम जनता को देखते हुए, ठीक है?
तो ये दीदी, सब। इसकी आप जरूर एक क्लास जरूर कराइएगा इसके ऊपर, क्योंकि जी ये इनसाइड का जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस पे प्लीज आप ये जरूर हमको समझाइए। जी जी ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, सुन गई है दीदी? ओम शांति। शांति दीदी। जी अंकुर सॉरी, हाँ मैं जी जी मैं बस यही बोल रहा था, सैटरडे को अभी आई अंडरस्टैंड के वक्त हो गया है, लेकिन जब आप सिस्टर जब सैटरडे को अगर डाउट्स लेंगे तो आपने अभी पहले बताते हुए ये भी एक इक्वलेंट बताया था कि जो वाइट लाइट है इज इक्वलेंट टू प्राण। सो अगर आप उस पर भी थोड़ा और एक्सप्लेन करें वेन एवर सैटरडे को, या जब भी आपके पास वक्त। जी ठीक है, ओम जी थैंक यू, ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। तो अभी पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दीदी हमें होमवर्क भी देंगे और 1 मिनट लास्ट 1 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। हमने जो पॉइंट डिस्कस की थी, जो बाबा ने इस पर मुरली में लास्ट में सबको कहा कि एक रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड देना और ले गा लेना, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात हमने डिस्कस की थी, उसी को हम एक प्रसाद का पॉइंट बनाते हैं कि दूसरों के देने से पहले वो जो रिकॉर्ड है वो अपने अंदर है या नहीं है, स्वयं के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, वो सब चेक करेंगे। वो ऐसी जो बातें हैं जो या किसी का व्यवहार है जो हमें चूकता है, खटकता है, उसका कारण ढूंढो अपने अंदर और फिर उस बात को निवारण तक लेके जाओ। आप अगर कारण ढूंढ पाए तो आप निवारण तक तो जरूर जाएंगे। तो जो ये बात आप बात पापा ने कहा है कि रिकॉर्ड देना ही लेना है, वो धारणा स्वरूप में आएगी। ठीक है, तो अभी सभी अपने स्वरूप में टिक जाए। और अपने आप को भी छाड़ दे कि हमने अभी ये सारा ज्ञान को सुना, कहा, ये सारे कर्म इंद्रियों से किया, बाह्य मुक्ता में आए, विस्तार में आए, लेकिन ये सभी करते समय मैं कहाँ तक अपने उस स्वरूप में स्थित थी, स्थित हूं या रह पाई। और इसी को विचार करते करते अपने आप को अंतर्मुख कर लो, उस अंतर्मुख स्थिति में आ जाए, स्वस्थिति, आत्मा की स्थिति। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। इसके साथ हम आज का क्लास क्लोज करते हैं। थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू ऑल। गुड नाइट।